गाइस चलिए आज बनाते हैं कैरी की चटनी। मैंने एक कैरी मीडियम साइज़ की ली है और मैंने ना इसका छिलका निकाल लेना है पहले, और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। चटनी के लिए कैरी ले तो आप मेक श्योर रहिए कि जब आप उसे काटे तो आप उसे टेस्ट कर ले। हमें ना खट्टी कैरी चाहिए, ना कि मिट्टी। देखिए हमारी कैरी कट के तैयार है। हम इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ये चटनी 1 वीक तक रखकर खा सकते हो। ये लगभग आपको ना अचार का टेस्ट ही देगी। रोटी के साथ भी खा सकते हो, पर ये चावल के साथ बहुत टेस्टी दिखेगी। डाल लेना है इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन। हमने डाल लेना है 1/2 टेबलस्पून नमक। टेबलस्पून हल्दी से कर लेंगे ग्राइंड। मैंने ना इसमें पानी ऐड नहीं किया है, तो आप मेक श्योर रहिए पानी ना ही डालें। और हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में। बनाते हैं अभी इसका मसाला। हमने ना इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाला है। डाल लेना है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अच्छे से कर लेंगे सोटे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखें क्योंकि हमें ज़ीरा को जलाना नहीं है। हमने ना इसमें डाल लेना है 1 टेबलस्पून चना दाल। ना अच्छे से सोटे कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। मेक श्योर रहिए कि आपका गैस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हो, क्योंकि ये टाइम पे ना मसाला जलने के बहुत चांसेस रहते हैं। डाल लेना है इसमें सूखी लाल मिर्च। 5 से 6 मिर्च लिए हैं। ज़्यादा या कम करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सूखी मिर्च ना हो तो आप इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गया है सॉटे और हमें ना अभी इसे साइड में निकाल लेना है। भी हमने कर लेना है ग्राइंड। ये हमारा मसाला हो गया है तैयार। हमने कैरी के पेस्ट में ऐड कर लेना है मसाला। तो अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स, और इसे हम रख लेंगे साइड में और तैयारी करते हैं तड़के की। तो हमने सबसे पहले ले लेना है तेल। डाल लेना है इसमें 1.5 चम्मच ज़ीरा की लाल मिर्च। बहुत ध्यान से हमें ना इसे कैरी पे डाल लेना है। बनके रेडी है हमारी कैरी की चटनी। आप इसे चावल या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं। हमारे पास ना ये वाली चटनी के साथ गरम वाइट चावल और घी परफेक्ट कॉम्बो रहता है। बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।